सो गुड मॉर्निंग, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिस भी मशीन में वाईफाई का कनेक्टिविटी दिया रहता है, कि जिस भी मशीन में ये फीचर है कि उसका वाईफाई कनेक्ट हो सकता है, तो उस मशीन को अपने मोबाइल से कैसे कनेक्ट करना है या उसको कैसे चलाना है, तो उसके लिए सबसे पहले अभी आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। यहाँ पर जा कर के लिखना पड़ेगा माई आई एफ बी ऐप, उसके बाद सर्च करना पड़ेगा। माई आई एफ बी ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इंस्टॉल जब हो जाएगा तब आप जब उसको खोलोगे इस तरह से एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन देगा, एक देगा लॉगिन का, एक देगा रजिस्टर का। अगर आप नए हो यूज़र, आपने इससे पहले कभी भी यूज़ नहीं किया है ऐप को, तो आपको रजिस्टर में जा करके खुद को रजिस्टर करना है। जैसे यहाँ पे नाम, नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यहाँ पासवर्ड बोल रहे हैं, यहाँ पासवर्ड आपको खुद से बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ईमेल आईडी का पासवर्ड डालना है, नया पासवर्ड आपको डालना है। तो यहाँ पे आप जा करके सारा कुछ, उसके बाद यहाँ पे आपकी कौन सी मशीन आपने खरीदी है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको वेरीफाई करके आपको रजिस्टर्ड कर लेना है, ठीक है। लेकिन मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो मैं सीधा लॉगिन करूँगा। तो मैं सीधा चला गया लॉगिन पे, मैं यहाँ पे जा करके अपना फ़ोन नंबर, आईडी, पासवर्ड वगैरह डालूँगा। डाल करके मैं खोलने का कोशिश करूँगा, या मैं ओटीपी से, मैं खोलने का भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं ओटीपी से भी खोल सकता हूँ। तो अभी एक ओटीपी आएगा, आने दीजिए। आ गया ओटीपी, मैं पेस्ट किया, इनवैलिड ये बता रहा है। तो मुझे एक ओटीपी मिल गया, ओटीपी आ गया, मैंने ओटीपी को कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैं ओटीपी को मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। यहाँ पे करने के बाद मैं इसमें लॉगिन कर लूँगा। अब ये लॉगिन हो चुका है प्रॉपर, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे बोल रहा है ऐड अप्लायंसेस, यहाँ पे प्लस वाला साइन को मैं टच करूँगा। यहाँ से आपको दो ऑप्शन देगा, या तो आप लिख सकते हो जो भी सीरियल नंबर है मशीन का, यहाँ पे टाइप कर दो और डन कर दो तो आप आगे प्रोसीड कर जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सीधा इसके स्कैनर पे जाओगे, यहाँ से स्कैन करोगे, स्कैन करके ये सीधा आपके कैमरा को ऑन कर देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मशीन के डोर के पास आपको यहाँ पे देखिए बार कोड दिखिएगा, यहाँ से स्कैन कर लेना है, ठीक है। ये आपको स्कैन करके आगे प्रोसीड करना है, तो इस तरीके से काम करना है। चलो मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे मैनुअल। ठीक है, तो मैंने यहाँ से मैनुअल टाइप कर दिया है। तो अभी यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ये भी आपको बता सकता है। देखिए मशीन में अगर आप जाओगे, अगर आपको ऐसे बताता है लाइक कि एक मैसेज आ रहा है, दिस सीरियल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो इस कंडीशन में क्या करना है, आपको मुझे फ़ोन करना है। मैं इस सीरियल नंबर को, ये पहले से कहीं पर रजिस्टर्ड है, मैं उसको वहाँ से रिलीज कर दूँगा। तो जैसे कि मैंने इस सीरियल नंबर को रिलीज कर दिया है, अब मैं इसको आगे प्रोसीड करूंगा, ये काम करेगा। देखिए काम करने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल लिख के आ गया, 9KG का मॉडल है, सीरियल नंबर है, वाईफाई कनेक्टिविटी। अब आपको आगे कनेक्ट करने बोल रहा है, आप यहाँ से कनेक्ट करो। यहाँ पे दो ऑप्शन खुल जाएगा, रिमोट मोड, डायरेक्ट मोड, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा रिमोट मोड से कैसे कनेक्ट करना है, डायरेक्ट मोड से कैसे कनेक्ट करना है। रिमोट मोड में जाना है आपको, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है, इसको ओके कर देना है। ये फिर आप ढूंढेगा मशीन को कि कौन सा मॉडल है, आपको जा करके मॉडल को टच करना है, मॉडल को जा करके। लेकिन क्या बोल रहा है देखिए, जैसे टच करेंगे ये बोलेगा प्लीज गो वाईफाई सेटिंग और कनेक्ट योर स्मार्टफोन, मतलब कि आपको जा करके सबसे पहले वाईफाई को कनेक्ट करना है ऐप से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जा करके सेटिंग से जा करके सबसे पहले अपने को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हम जाके यहाँ पे वाईफाई को अपना ऑन करेंगे। वाईफाई ऑन करने पे देखिए ये मशीन को यहाँ पे भी सर्च कर लेगा, ये देखिए मशीन को ये सर्च कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम कनेक्ट कर देंगे, अब हम कनेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। चेकिंग द नेटवर्क क्वालिटी इंटरनेट कनेक्शन, अभी देखिए ये खुद को मशीन को कनेक्ट कर रहा है। मशीन को जैसे ये कनेक्ट करेगा वहाँ पे ये शो करने लगेगा, ठीक है। देखिए लिख गया कनेक्टेड विदाउट इंटरनेट नो सिक्योरिटी, ठीक है। यहाँ पे मशीन मेरा कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद अब हम फिर से आ जाएंगे पेज पे, तो देखिए ये अब सर्च कर रहा है, ये अब मॉडल को सर्च करेगा जिसको भी हम कनेक्ट किए थे। देखिए वही मॉडल आ गया, इसको टच कर देगा। जैसे हम टच कर दिए, अब ये हमसे क्या मांग रहा है, ये हमसे बोल रहा है रिमोट मोड में जाने के लिए। तो ये क्या किया, अब मेरे घर में जो वाईफाई लगा हुआ है उस वाईफाई को भी कनेक्ट कर लिया, ठीक है, ढूंढ लिया। यहाँ पे क्या करना है, सिंपली वाईफाई को कनेक्ट करना है। वाईफाई का पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, वाईफाई का पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे हम वाईफाई का पासवर्ड डालेंगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे वाईफाई का पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड डाल के प्रोसीड करेंगे, सीधा एक पेज आएगा और आपको आराम से अपने मशीन को ऑपरेट कर लेना है। ये सर्च होने के बाद ये मेरा कनेक्टेड दिखा दिया कि अप्लायंसेस कनेक्टेड, आपका मशीन जो है कनेक्टेड हो गया है, ठीक है।
अभी यहाँ पे देखिए ये सर्च कर रहा है, इसको करने देते हैं आराम से, ठीक है। कनेक्ट करने दीजिए, मैं ऐप में सेम मॉडल मिलेगा, कनेक्ट कर लेना। कनेक्टेड हो गया, इसको जब टच करेंगे तो ये रिफ्रेश करके खुलेगा। देखिए ये सारा प्रोग्राम यहाँ पे मेरा खुल गया। अब जो भी प्रोग्राम आपको चलाना है आप उसको ऐसे टच करो। अब ये जब तक घूम रहा है देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन में कॉटन हो गया, मैसेज आ गया कि ये प्रोग्राम नोके जी के लिए सुटेबल है, क्या आप इसको चलाना चाहते हैं। मैं जैसे यहाँ पे प्ले बटन है, मैं प्ले बटन को टच करूँगा, ये चलने लगेगा। देखिए आवाज़ आया मशीन का कड़क, मशीन मेरा ऑन हो गया। अब यहाँ से ऑफ कर दूँगा, मशीन अभी स्टॉप हो गया। तो इस तरीके से मशीन को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से हम एक्स्ट्रा रिंस वगैरह है, स्पिन वगैरह है, एक्स्ट्रा रिंस चाहिए आपको, एक रिंस चाहिए, दो रिंस चाहिए, तीन रिंस चाहिए, आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। मैंने ऐड कर दिया। स्पिन कितना चाहिए, 1000 आरपीएम है, मुझे घटाना है तो मैं 800 आरपीएम कर दूंगा, मैं स्पिन भी घटा सकता हूँ। टेम्परेचर कितना चाहिए, 40 डिग्री है, 30 डिग्री कर दो, मैं टेम्परेचर भी घटा दिया। एंड उसके बाद डीले अगर लेना चाहता तो ले सकते, प्रीवास अगर आपको लेना तो आप ऑन कर दो कि प्रीवास भी चाहिए। वार्म सॉक रिंसोल, टाइम सेवर, अगर टाइम सेवर ऑन है तो देख लीजिए कुछ टाइम आपका घटा देगा, 2 घंटा 17 मिनट का प्रोग्राम था ये, तो टाइम सेवर यहाँ पे इस प्रोग्राम में मैं ऑन कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम में टाइम सेवर ले नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत छोटा प्रोग्राम है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट कर देना है। ये सारा अकॉर्डिंग मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया, अब सेट करने के बाद ये स्टार्ट कर लेगा। तो ये मशीन से मेरा चलने